हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो गैस, आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के 400 से कम मार्क्स है, तो उनको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस टाइप का उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो है एक बेनिफिट कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को मिलने वाला है मॉपअप पोस्टर वैकेंसी राउंड में, तो आज मैं ये पूरा प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू मिलती रहे, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम बात करें नीट यूजी 2022 रिजल्ट जो है वो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। रिजल्ट आपका आएगा सितंबर फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीकेंड में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे हैं 400 से कम, उनकी कौन से काउंसलिंग में उनका जो है एडमिशन पॉसिबल है। तो गाइज, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लास्ट राउंड तक का वेट ही नहीं करना, राउंड वन राउंड टू में ही आपका हो जाएगा। लेकिन जनरल और OBC के स्टूडेंट है और आपके कम मार्क्स है, तो गैस आपको वेट करना है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, क्योंकि राउंड वन और राउंड टू में भूल जाइएगा, नहीं होगा, कट ऑफ हाई जाएगी, 400 से अबव मार्क्स वाले का ही पॉसिबल हो पाएगा राउंड टू तक, ठीक है। उसके बाद मॉपअप राउंड जो काउंसलिंग होती है, उसके अंदर जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं, ओनली जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट होते हैं उनका भी हो जाता है, ठीक है। आप 2021 की सिलेक्टेड लिस्ट उठाकर देखिए, 2020 की उठाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिन स्टूडेंट ने ले रखा था वो भी MBBS लेकर बैठे हैं, ठीक है। तो गैस, आपको पार्टिसिपेट करना है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, जिसमें काफ़ी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का भी एडमिशन हो जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सबसे पहले कौन कौन सी वैकेंसीज होती है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में होती है राउंड वन और राउंड टू में जो खाली बच जाती है, काफ़ी सीटें खाली बच जाती हैं, वो मॉपअप राउंड के अंदर और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो है मूव की जाती है। तो जो मॉपअप राउंड होता है, पहले राउंड वन होता है, फिर राउंड टू होता है, और थर्ड होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड जो होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रिमेनिंग रह जाती है, और सबसे अच्छे बेनिफिट क्या है गाइस, कि जो कॉलेजेस न्यू कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, वो सीट मैट्रिक्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो न्यू कॉलेजेस की सीटें अभी उसके अंदर ऐड नहीं की गई है। तो वो कब ऐड होती है, मोस्टली मॉपअप राउंड में वो ऐड की जाती है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सीट मैट्रिक्स में न्यू कॉलेजेस की सीट ऐड ना होकर मॉपअप राउंड के अंदर वो सीटें दी गई है। तो ऐसे ही गाइज, मॉपअप राउंड के अंदर जो है आपकी सीटें ऐड कर दी जाती है, उससे कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाता है। और काफ़ी बार क्या होता है, लक पर डिपेंड करता है कि अच्छा कॉलेज भी उनको मिल जाता है। मॉपअप राउंड थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मॉपअप राउंड में भी जब सीटें वैकेंट रह जाती है, तो किसी न किसी तरीके से वो सीटें फिल की जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के थ्रू, ठीक है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है गाइस कि अगर कम मार्क्स पर आपका एडमिशन हो रहा है, तो मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। मैनेजमेंट कोटा मतलब आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, डोनेशन आपको देना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन हो पाएगा। हाँ, काफ़ी कम मार्क्स पर भी, जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, इतने मार्क्स है क्या MBBS मिल सकता है, तो गाइस चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको ओनली अके आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तब भी आपको MBBS मिल सकता है। लेकिन वही बात हो जाएगी, अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है कम फीस में, और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को MBBS तो मिल जाता है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा की सीटें मिलती है, मतलब उनको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, डोनेशन पर उनका एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये है मॉपअप स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स होते हैं उनके लिए ये खासकर वीडियो है गाइस। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।